नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज मैं करने वाला हूं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी हां, वो भी बहुत ही नए अंदाज में, नए तरीके से। ये आप देखेंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो तैयार किया है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, देखिए स्क्रीन शॉट आप देखिए एक बार। ये देखिए पंचतंत्र का एक हिंदी का यहाँ पर स्टोरी था, तो मैंने सोचा था कि हिंदी टू इंग्लिश मैं आपको समझा दूंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं तो समझा दूंगा, मुझे जितना भी आता है मैं समझा दूंगा आप लोग को, लेकिन जब आप लोग समझने की कोशिश करेंगे बाद में वीडियो को देखने के बाद, तो हो सकता है आप लोग को बहुत चीज़ समझ ना आए, बार बार आपको वीडियो देखना पड़े। तो मैंने क्या किया आप देखिए, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जैसी स्टोरी में आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में, वहाँ पर हिंदी में जो लिखा हुआ है उसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया बकायदा पूरा। तो एक एक पैराग्राफ मैंने ले लिया है, दो चार लाइन जो भी है बिल्कुल उसका, फिर नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी मैंने करके रखा है पूरी स्टोरी का, ताकि आपके पहले लाइन का जो हिंदी में है मीनिंग उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, सेकेंड लाइन का जो हिंदी है उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वो आपको पता चलते जाएगा। और आपको साथ ही साथ ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन रहेंगे वो भी कवर करूंगा, टेंस रिलेटेड जो भी जरूरी चीज़ होंगी वो आपको बताऊंगा, वर्ड्स की मीनिंग आपको बताऊंगा। और आप देखिए कभी भी इसे आप चाहे तो आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और कभी भी आप जब इसे तैयारी करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पूरा मैंने तैयार किया है, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में, लेकिन आप लोग के लिए जितना अच्छे से आपको समझ आ पाए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट और मैं चाहता हूँ आप सबसे अच्छे बनो। तो आप देखते हैं, देखिए कितना अच्छे से मैंने तैयार किया इसे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। तो इसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? इसका टाइटल है द हिरन एंड क्रैब। इसे हिरन पढ़ेंगे, ओएन लिखा हुआ है लेकिन अन ध्वनि निकलता है यहाँ पे। हिरन, हिरन यानी होता है बगुला, एक आप हंस जानते हैं उसे हम स्वान कहते हैं इंग्लिश में, और बगुला बिल्कुल वैसे ही लंबे लंबे पैरों वाला सफ़ेद रंग का जो मछली वगैरह खाता है तालाब में, आप सभी जान गए, तो उसे हिरन कहते हैं। द हिरन एंड क्रैब, क्रैब यानी होता है केकड़ा, क्रैब, ठीक है। तो यहाँ पे बगुला और केकड़ा की कहानी है, स्टोरी है। तो सबसे पहला लाइन देखते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश में तो मैंने लिख ही दिया लेकिन आपको पढ़ के बताऊंगा उसका मीनिंग भी बताऊंगा। पहला लाइन देखते हैं, किसी तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला रहता था। बूढ़ा बगुला रहता था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहीं पे कोई रहता था, हम जैसे बात करते थे स्टोरी में आप, कहीं एक राजा रहता था, हम क्या बोलते, देयर लिव्ड, एक आदमी रहता था, देयर लिव्ड, कुछ कोई रहता था, तो देयर लिव्ड ऐसे हम लगाते हैं वहाँ पे, आप देखे होंगे। तो देखिए देयर लिव्ड सबसे पहले आप यूज़ करेंगे, देयर लिव्ड एन ओल्ड हिरन, एन यानी एक, ठीक है, ओल्ड हिरन यानी बूढ़ा बगुला, तो देखिए एक बूढ़ा बगुला, एन ओल्ड हिरन, ठीक है, एन ओल्ड हिरन यानी एक बूढ़ा बगुला रहता था, तो रहता था के लिए हमने देयर लिव्ड का यूज़ किया है, देयर लिव्ड यानी रहता था। नियर, नियर यानी होता है पास में, नियर यानी पास में। अ पॉन्ड, पॉन्ड यानी किसी तालाब। अब क्योंकि तालाब क्या है, ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको टेंस में आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर भी सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन होता है, जो एक काम करता है, किसी के बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, और वो कहाँ रहता था, कहाँ जाता था, क्या खाता था, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आया, दे लिव्ड एन ओल्ड हिरन, है ना, और नियर अ पॉन्ड, तो पॉन्ड ये ऑब्जेक्ट है वो बाद में आ गया। तो इसमें आप ज़्यादा मत जाइए, ट्रांसलेशन देखते हैं सीधा सीधा। तो ये पहला लाइन क्लियर हो गया, किसी तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला रहता था, देयर लिव्ड रहता था एन ओल्ड हिरन, एक बूढ़ा बगुला, नियर अ पॉन्ड, नियर यानी पास में, अ पॉन्ड यानी एक तालाब, क्लियर हो गया यहाँ तक, एक तालाब के पास में या किसी तालाब के पास में एक बूढ़ा बगुला रहता था। सेकंड देखिए, बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे के कारण, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्यू टू, ड्यू टू यानी किसी के कारण को हम ड्यू टू कहते हैं। ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, बूढ़े उम्र, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, एज यानी उम्र, यानी जो बुढ़ापा होता है ओल्ड एज जिसे हम कहते हैं, बूढ़ा उम्र यानी पुराना उम्र जिसे कहेंगे, तो उसे हम बुढ़ापा भी कहते हैं। बुढ़ापे के कारण, तो के कारण के लिए हमने ड्यू टू का यूज़ किया, ड्यू टू ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण वह अब शिकार नहीं कर पाता था। ही कुड नॉट, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट लॉन्गर, यहाँ पे नॉट नॉट आएगा, नो नहीं आएगा, ही कुड नॉट आएगा, ही कुड नॉट लॉन्गर, सॉरी नो लॉन्गर, अब यहाँ पे लॉन्गर लिखा हुआ है, नो लॉन्गर का यूज होगा। ही कुड नो लॉन्गर, कुड यानी होता है सकना, और पास्ट टेंस में इसे सकता था, जैसे हम बोलते हैं ना सकता था पास्ट टेंस में, तो वो क्या नहीं कर पाता था, क्या नहीं कर सकता था, नो लॉन्गर हंट, वह अब शिकार नहीं कर पाता था। ही कुड नो लॉन्गर हंट, वह अब शिकार नहीं कर पाता था, और कई बार
एंड हैड टू, कई बार हैड टू, उसे भूखा रहना पड़ता था एंड हैड टू स्टार्व मेनी टाइम, मेनी टाइम यानी कई बार, मेनी टाइम यानी कई बार, स्टार्व यानी होता है भूखा रहना, स्टार्व यानी होता है भूखा रहना, ठीक है। तो ये लाइन में क्लियर हो गया आपको, यदि आपको इसका मतलब जाना है। शिकार यानी होता है हंटिंग, ठीक है। नो लॉन्गर यानी और अधिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि और अधिक को नो लॉन्गर अब नहीं कर पाता था, तो उसे हम नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक के ये वाला। अब देखते हैं उसके आगे, सेकंड वाले में देखते हैं। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, एक दिन, तो एक दिन का मतलब वन डे, उसे तो ही यानी वह भी होता है, उसे भी होता है। एक उपाय सूझा, थॉट यानी कुछ चीज़ सूझना, कुछ विचार आना, ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी होता है उपाय, तो वन डे ही थॉट ऑफ अ सॉल्यूशन, एक दिन उसे एक उपाय सूझा, क्लियर हो गया। उसका दूसरा देखते हैं। वह तालाब में एक पैर पर खड़ा हो गया, तो एक पैर पर खड़ा होने को बोलते हैं ही स्टूड, यानी वह खड़ा हो गया, स्टूड, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ा हुआ, ठीक है। तो वह खड़ा हो गया ऑन वन लेग, ऑन यानी पर, वन लेग यानी एक पैर, ठीक है, एक पैर पर खड़ा हो गया। इन द पॉन्ड, इंडियन, इन यानी में, द पॉन्ड यानी तालाब, तो देखिए लिखा हुआ है वह तालाब में, तो इन द पॉन्ड यानी तालाब में, इसलिए मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखते हैं, इसलिए तालाब में, इसे लास्ट में। तो क्या हो गया था, ही स्टूड ऑन वन लेग इन द पॉन्ड, वह तालाब में एक पैर पर खड़ा हो गया, और लगा आंसू बहाने, या फिर और आंसू बहाने लगा, एंड फेल टीयर सेट, सेट यानी होता है बहाना, गिराना जिसे हम कहते हैं, फेल टीयर, फेल्ट यानी होता है गिराना, टीयर सेट यानी आंसू, है ना, आंसू को क्या करने लगा, बहाने लगा, आंसू गिराने लगा, यानी कि रोने लगा, सीधी सी बात है, आंसू दिखाने लगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे रोते हुए देखकर पूछा, एक केकड़े ने, तो एक केकड़े ने क्या किया, तो अ क्रैब सींग, सींग अ क्रैब, सींग यानी उसे बोलते हैं रोते हुए, मतलब किसी को देखने को हम सींग बोलते हैं, सींग अ क्रैब, एक केकड़े ने उसे देखा, अ क्रैब आस्क्ड, और क्रैब ने पूछा, केकड़े ने पूछा, रोते हुए देखा, तो रोते हुए देखा को हम बोल सकते हैं यहाँ पे सींग अ क्रैब, और रोने को बोलते हैं अ क्राइंग, सींग अ क्रैब क्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सींग अ क्रैब क्राइंग, यानी क्रैब को रोते हुए देखा, अ क्रैब आज, और क्रैब ने पूछा, आज यानी होता है पूछना, आज यानी पूछना, अ क्रैब आज, और उस केकड़े ने पूछा, क्या पूछा आगे देखते हैं। मामा क्यों रो रहे हो, तो मामा को हम यहाँ पर मामा ही बोलेंगे, वैसे मामा को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल, अंकल यानी चाचा होता है, मैटरनल अंकल यानी मामा जी, ठीक है। तो मामा, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर, क्यों, आर यू क्राइंग, रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग यानी आप क्यों रो रहे हो, ठीक है। बगुला बोला, तो बगुला बोला को देखिए, हिरन सैड, हिरन ने कहा, बेटा यहाँ सूखा पड़ने वाला है, सन, बेटा ने सन, देयर इज गोइंग टू बी अ ड्रॉट हियर, इज है, क्या है, गोइंग टू बी यानी होने वाला है, अ ड्रॉट यानी सूखा पड़ने वाला, हियर यानी यहाँ, तो यहाँ एक क्या पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग यानी मैं रो रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। All the creature will be killed. All the creature यानी सभी जीव, creature यानी होता है जीव, जो जो हम बोलते हैं जीव, जीव जंतु, all the creatures, सभी जीव जंतु will be killed. Will यानी गागी गे हम लगाते हैं, will be, हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, killed यानी मर जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक कि सभी जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, इसलिए सब जीव मर जाएंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। फिर क्या हुआ, केकड़ा यह सुनकर डर गया, द क्रैब इज स्टन्ड टू हियर दिस, स्टन्ड यानी होता है डरना, भयभीत हो जाना। उसने यह समाचार तालाब के सारे जीवों को बता दिया, ही टोल्ड, उसने बताया को टोल्ड कहेंगे, दिस न्यूज़, इस समाचार को, टू ऑल द क्रिएचर, टू ऑल द क्रिएचर यानी सभी क्रिएचर्स को, सभी जीवों को, ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब के, तो क्लियर हो गया, तालाब के सभी जीवों को उसने क्या किया, समाचार बता दिया। उसके बाद देखिए, सभी जीवों के पूछने पर बगुले ने उपाय बताया, ऑन बींग आज बाय ऑल द क्रिएचर यानी सभी जीवों के द्वारा पूछने पर, आज यानी पूछे जाने पर, हेरन टोल्ड द रेमेडी, हेरन, बगुले ने क्या किया, टोल्ड यानी बताया, द रेमेडी, रेमेडी यानी होता है उपाय, उपचार, उसे हम रेमेडी कहते हैं, उसने क्या किया, उपाय बता दिया, इसे हम आइडिया भी बोल सकते हैं या उपचार भी बोल सकते हैं, तो उसने क्या कर दिया, उपचार बता दिया, उपाय बता दिया।
यहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, देयर इज अ रिजर्वर, रिजर्वर यानी होता है जलाशय जहाँ पानी को रखा जाता है, अ लिटिल कर्ज फ्रॉम हियर, लिटिल कर्ज यानी कुछ कोस कर्ज बोलते हैं, फ्रॉम हियर यानी यहाँ से, तो यहाँ से कुछ कोस दूर क्या है, एक जलाशय है, रिजर्व यानी होता है भाई जमा करना बचा के रखना, उसे रिजर्वर कहते हैं, जमा करने वाला यानी पानी को जमा करने वाला जलाशय, ठीक है, क्लियर हो गया। और फ्रॉम हियर यानी यहाँ से, आई कैन लीव यू ऑल, मैं आई कैन यानी सकना, आई कैन लीव मैं छोड़ सकता हूँ, लीव यानी छोड़ना, यू ऑल यानी तुम सबको, तो देखिए लिखा हुआ है कि मैं अपनी पीठ पर बिठा कर आप सबको बारी बारी से वहाँ छोड़ सकता हूँ, तो आई कैन लीव मैं छोड़ सकता हूँ यू ऑल आप सभी को, बाई सिटिंग ऑन माई बैक, बाई सिटिंग यानी मेरे बैठा कर, ऑन माई बैक मेरे पीठ पर बैठा कर, पीठ यानी होता है बैक, इन टर्न यानी बारी बारी से, तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि मैं अपनी पीठ पर बिठा कर आप सबको बारी बारी से वहाँ छोड़ सकता हूँ, आई कैन लीव यू ऑल मैं आप सभी को छोड़ सकता हूँ, बाई सिटिंग ऑन माई बैक मेरे पीठ पर बैठा कर, इन टर्न यानी बारी बारी से, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, सभी जीवों ने खुशी खुशी बगुले की बात मान ली, ऑल क्रिएचर हैप्पली अग्रीड टू द हिरन, ठीक है क्लियर हो गया। ऑल क्रिएचर सभी जीवों ने हैप्पली यानी खुशी खुशी, अग्रीड यानी मान जाना, सहमत हो जाना, टू द हिरन यानी हिरन की बात को मान ली। उसके बाद क्या हुआ, अब तो बगुला रोज एक जीव को अपने पीठ पर बिठा कर ले जाता, अब तो बगुला, तो नाउ द हिरन वुड टेक अ क्रिएचर, ले जाता, किसे ले जाता, टेक यानी ले जाना, अ क्रिएचर यानी एक जीव को, ऑन इट्स बैक अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता, तो ऑन इट्स बैक एवरी डे यानी रोज, एवरी डे यानी रोज बैठा कर ले जाता, एंड गो सम डिस्टेंस, लिखा हुआ है देखिए, और कुछ दूर जाकर एक चट्टान पर उसे पटक कर मार डालता और खा जाता, तो क्या लिखा हुआ है, और कुछ दूर जाकर, एंड गो सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी, और क्या करता है, एंड और स्लिट इट ऑन, स्लिट यानी होता है उसे पटकना को स्लिट बोलते हैं, ऑन अ रॉक, रॉक यानी होता है चट्टान पर उसे क्या करता, स्लिट इट पटक देता एंड किल यानी मार देता, इट एंड ईट यानी इसे खा जाता, तो पटक कर मार डालता और खा जाता, किसे खा जाता, वो सभी जीवों को। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लाइन, आप एक एक का देख लेंगे आपको समझ आएगा। उसके बाद देखते हैं अगला, एक दिन केकड़े ने बगुले से पूछा, वन डे द क्रैब आस्क्ड हिरन, क्लियर हो गया आपको, मामा मेरी बारी कब आएगी, मामा वेल विल माई टर्न कम कब मेरी बारी आएगी, हिरन सैड, तो बगुले ने कहा, तो हिरन सैड, आज ही चलो कम ऑन टुडे आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, कम सिट ऑन माई बैक, तो आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे, कम सिट ऑन माई बैक। फिर क्या हुआ देखिए, बस खत्म होने वाला है, बगुला केकड़े को लेकर उड़ा, हिरन फ्लिव अवे यानी दूर उड़ जाना, विद द क्रैब यानी विथ यानी साथ में, द क्रैब यानी केकड़े के साथ या केकड़े को, ठीक है, तो बगुला केकड़े को लेकर उड़ा या फिर बगुला केकड़े के साथ उड़ा, तो हिरन फ्लिव अवे विथ द क्रैब, चट्टान पर पहुंचकर जैसे ही बगुले ने केकड़े को मारने की कोशिश की, एज द हिरन ट्राइड यानी कोशिश करना टू किल द क्रैब यानी क्रैब को मारने की, केकड़े को मारने की, अपॉन रीचिंग द क्लिफ यानी पहुंचना द क्लिफ, क्लिफ यानी होता है वही चट्टान समझ लीजिए, उससे छोटी चट्टान, द क्रैब ग्रैब्ड इट्स नेक, और क्या किया, केकड़े ने ग्रैब यानी होता है पकड़ना, दबोचना, ठीक है, इट्स नेक, उसे अपने नेक से मतलब उसे गर्दन से क्या कर लिया, पकड़ लिया, दबोच लिया, विथ इट्स क्लॉस, क्लॉस यानी होता है उसके पंजे, अपने पंजों से उसका गर्दन को क्या कर लिया, उस हिरन के, उस बगुले के गर्दन को दबोच लिया, धूर्त बगुला मारा गया, धूर्त यानी क्राफ्टी भी बोल सकते हैं, क्राफ्टी हिरन वॉज किल्ड, तो क्राफ्टी हिरन वॉज किल्ड यानी धूर्त बगुला मारा गया। अब ये तो स्टोरी थी, अब इससे हमें सीख क्या मिलती है वो देख लेते हैं। दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, डू नॉट ब्लाइंडली यानी होता है आंख मूंद कर, डू नॉट यानी नहीं करना चाहिए, बिलीव यानी भरोसा, द वर्ड्स ऑफ अदर, वर्ड्स यानी बातों को, शब्दों को, ऑफ अदर्स यानी दूसरों के, यानी कि वही हुआ, दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर यानी ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए, बिलीव,
डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव, आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, द वर्ड ऑफ अदर, दूसरों की बातों का। तो ये थी आज की स्टोरी, और यदि आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको उसे पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में जाकर, और नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ये थी आज की स्टोरी, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।